जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, कलयुग में जीना है तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास धन है वही गुणी है, वही टैलेंटेड है, वही बुद्धिमान है, वही सब कुछ है ऑल इन ऑल। और जिसके पास बुद्धिमान है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन धन नहीं है, तो उसकी जो धन के बगैर उनकी जो बुद्धि है किसी काम की नहीं है। कुल मिलाकर धन के बगैर आदमी की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, और कभी कभी उनको दूसरों के सामने भी हाथ फैलाना पड़ जाता है। या कभी कभी परिस्थितियां ऐसे भी आती है जब हमारे पास धन की आवश्यकता होती है, किसी को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती, देने की ज़रूरत होती, कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको, क्योंकि हमको बहुत सारे रुपये देने किसी को, तो कर्ज लेना पड़ जाता है। इस प्रकार से परिस्थितियाँ जब ख़राब होती है तो फिर हम कर्ज में डूब जाते हैं, और कोई उस कर्ज से उबारने वाला हमको हमारे आसपास दिखाई नहीं देता। या तो कोई हम धंधा करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी उतनी विकसित गति प्राप्त नहीं होती। ग्राहकी की समस्या आती है, ग्राहक ठीक से नहीं आ पाते, उससे हम भरपूर तरीके से आमदनी नहीं कर पाते। इस प्रकार से या घर में निगेटिविटी होती है, घर में नकारात्मकता बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से घर में पर्याप्त मात्रा में धन आता नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में धन आता भी है तो कुछ ऐसे खर्चे हर महीने तैयार हो जाते हैं कि पैसा आता है महीने के महीने, लेकिन महीने के महीने चला भी जाता है। इस प्रकार से हम खुद निर्धनता या गरीबी या पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए जूझते रहते हैं। पैसे की आवश्यकता हर दम पड़ती रहती है। ऐसी स्थिति में आज एक ऐसे नुस्खे, ऐसे एक मंत्र, ऐसे एक उपाय के बारे में, एक सावर मंत्र का उपाय के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जिसको जानना चाहते हैं आप तो मेरे वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें। इससे आपको मेरे इस प्रकार की तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित और आयुर्वेद होम्योपैथी से संबंधित, साथ ही लाल किताब और वास्तुशास्त्र के टोटकों से संबंधित वीडियो मैं लाते रहता हूँ। इसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। यदि आपको धन चाहिए, धन प्राप्ति की इच्छा है, आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, या आप निर्धनता से जूझ रहे हैं, दरिद्रता से जूझ रहे हैं, आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, आकस्मिक धन चाहिए, रुपये पैसे चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, तो आप इस उपाय को करिए। इस उपाय को करने के लिए आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं। इसको आपको रोज़ सवेरे सवेरे सुबह जब आप स्नान करके अपने पूजा घर में, यहाँ पर जहाँ पर भी आप देवी देवता रखते हैं, वहाँ पर आप स्नान करके शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठ जाएं, सुगंधित पूरा वातावरण को सुगंधित कर लें, अगरबत्ती जलाकर और सुगंधित थोड़ा इत्र स्प्रे जो भी है वो आप स्प्रे कर लें अपने इत्र का, खुशबूदार जो आता सेंट आता है उसका, अपने कपड़ों पे, उसके बाद बैठ जाएं। बैठने के बाद जो माता भगवती है, मतलब माँ काली है, उसके सामने बैठिए, उसकी मूर्ति सामने रखिए, चित्र रखिए, और वहाँ बैठकर इस मंत्र को आपको 40 दिन तक लगातार जाप करनी है। और कोई भी कर्मकांड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी दीवत्री के समकर में पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ करनी है। तो 40 दिन तक इस मंत्र की जाप करनी है, 108 बार जाप करनी है, मतलब एक माला जाप करनी है रोज। ठीक है, इसका मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि देहि फट स्वा। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करनी है 40 दिन तक। इसके बाद आप देखेंगे 40 दिन होते होते आपके घर में आकस्मिक रूप से ऐसे धन की वर्षा होगी, चारों दिशा से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि चारों तरफ से आपके घर में रुपये पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो निर्धनता है, दरिद्रता है, गरीबी है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जैसे सामान्य पूजा पाठ करते हैं वैसी पूजा पाठ आपको अपने पूजा घर में करनी है। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त करके इसका लाभ उठा सके और अपने आप को अपनी निर्धनता से मुक्त कर सके। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।